और बड़ी खबर इस वक्त दमोह से। न्यूज 18 की खबर का सबसे बड़ा असर, सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जांच शुरू हो गई है। गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर मामला दर्ज हो गया है। विभिन्न धाराओं के तहत स्कूल प्रबंधन पर मामला दर्ज हुआ है। एसपी राकेश कुमार सिंह ने मामला दर्ज होने की जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि अन्य बिंदुओं पर जांच हो रही है और जांच के बाद और भी तथ्य सामने आने की गुंजाइश है। तो ये बड़ी खबर है दमोह से। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। दमोह में कैसे स्कूल में हिंदू छात्राओं को न केवल हिजाब पहनाया जा रहा था बल्कि उन्हें आयतें भी पढ़ाई जाती थी और तमाम ऐसी गतिविधियां सामने आई। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शासन की तरफ से लगातार निर्देश रहे हैं कि इसमें जो भी तथ्य आते हैं तथ्यों के आधार पर कार्रवाई किया जाए। चूँकि कल 2-3 बच्चियों के ऐसे कथन सामने आए जो जिनको देखने के बाद, जिनको समझने के बाद ऐसा लगा कि कथन संज्ञान में लिए जाने योग्य हैं। कमेटी ने भी उन विज्ञानों को अपने पास भेजा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, तो उसके आधार पर हम लोगों के द्वारा जाँच करके उस पर प्रबंधन के खिलाफ उसमें काफी बोला गया था, तो उसके आधार पर हमने। और आशीष जैन न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अब संचालकों के खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई, मामला दर्ज हुआ है, एक्शन न्यूज 18 की खबर का असर? आशीष, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी प्रशांत जी। आशीष, न्यूज 18 की खबर का ये असर हुआ है और खुद सीएम शिवराज ने संज्ञान लिया, मामला दर्ज हो गया संचालकों के खिलाफ, क्या और डिटेल? प्रशांत जी, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल शुरुआती दौर से, आज बुधवार का दिन है और आज के ही दिन यह मामला जैसे ही सामने आया था उसके बाद न्यूज 18 के द्वारा लगातार इस खबर को लेकर के पल पल अपडेट किया गया, लगातार इस खबर को लेकर के लोगों के बीच जानकारी दी गई और इसका ही नतीजा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब स्कूल के प्रबंधकों पर यह मामला कायम किया गया है। सूत्रों की माने तो करीब 13 जो उसके प्रबंधक थे उन पर मामला यह कायम किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर के लगातार पूरे प्रदेश और देश में सुर्खियां रही, तो वहीं न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है जिसमें प्रबंधकों पर मामला कायम किया गया है। प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो मामला दर्ज कर लिया गया है और जानकारी भी दी गई है पुलिस महकमे के जरिए कि जो सभी प्रबंधक हैं उनके खिलाफ एक्शन हो गया है। शुक्रिया आशीष आपका जानकारी के लिए। तो दमोह का यह मामला लगातार न्यूज 18 मसले को उठाता रहा और अब जाकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और एक्शन भी हुआ है।